भाई जिंदगी ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई है यार, वर्कलोड इतना है, मैं परेशान हो गया हूँ यार बिल्कुल ही। ब्रो मेरे वीकडेज और वीकेंड दोनों से हेक्टिक है ना, तुझे क्या बताऊं यार। क्यों क्या हुआ? अभी रिलेशनशिप में हूँ यार, मंडे से संडे तक मेरी वाली बकबक करती रहती है, फंस गया यार रिलेशनशिप में आके। हेलो बोथ ऑफ यू, तुम दोनों ऐसे ही खाली बैठे रहना और फ्री की तरह खाली रहना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑस्ट्रेलिया से तुम्हारे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट आया है और तुम्हारे साथ टीम में न्यू मेंबर आई है। धोनी प्लीज कम। मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। अचार हो गया? अबे प्यार हो गया बहरे। ओह अपनी नई टीम मेंबर से। मेरे बात ठीक है? रोटी जैसे मैंने किया चार टुकड़ों में डिवाइड। अब ये चार टुकड़े नहीं है, अब ये चार फ्रेंड जोन के स्टेजेस है। ये आते पहली स्टेज, ले ये बड़प्पन जो तुझे आगे जाके मिलेगा, वो अपना भी बिल पे करेगी तेरा भी करेगी। ये दूसरी स्टेज। ये क्या हुआ? इसी स्पीड से तेरा वॉलेट खा ली, पैसे नहीं बचेंगे तेरे पास, समझ रहे? फिर आती है थर्ड स्टेज, इसमें तेरा कटेगा। तुझे लग रहा होगा कि तेरी कहानी बन रही है, और बन रही है, और बन रही है, बस बन गई, वक्त कट गया, यही तेरा कट जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेज बिल्कुल भयंकर, ये इसमें तो फ्रेंड जोन हो चुका होगा और कहानी खत्म, कट गया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी वाली अलग है, है? मैं तो कचौरी खाने जा रहा हूँ। ओ भैया सबको लगता है उसकी वाली अलग है, रुक जा। फ्रेंड जोन ना एक तरीके का कैंसर है, बचना इम्पॉसिबल। हो गया खा लू अब मैं। बिल्कुल सही, लोगों को लगता है कि वो बच जाएंगे पर मुश्किल है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है जब तक लड़की संग है, संग है। Can I join you guys? हाँ यार of course, मैं एक पपड़ी और लगा दूँ। हमेशा लड़की क्यों बिल पे करेंगे, लड़कियाँ भी तो कर सकती है ना। तो यहाँ होती है पहली स्टेज की शुरुआत, फर्स्ट स्टेज ऑफ बीइंग फ्रेंड जोन। तेरे बदन पे लिख दूं छुपा के अपनी कोई नई दास्तां। एक इससे प्रॉफिट तो हो जाएगा पर एक बार देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में वह चलता ही है, जरूरी है। गाइस टी ब्रेक। हाँ ऑफ कोर्स टी ब्रेक तो यार बनता है, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, आपका कोरियर। कितने पैसे हो गए? 3000। हाँ? क्या हुआ यार? वो मेरा कोरियर आया और मेरा वॉलेट घर पे रह गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं देता हूँ ना पैसे। स्वागत है आपका स्टेज टू में। अब जब अगला ही कटवाना चाहता है अपना तो क्या कीजिएगा, चाय पियेंगे? हेलो। हाँ तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? एक्चुअली ना मेरा बैलेंस खत्म हो गया है और नेट भी नहीं चल रहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं करवा देता हूँ ना रिचार्ज तुम्हारा। नहीं जी थैंक यू, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो लड़कों से रिचार्ज करवाए। अरे यार मैंने कहाँ बोला तुम उस टाइप की लड़की हो। थैंक यू रमन, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। अरे इसमें क्या एहसान की बात है यार, तुमने करवाया मैंने करवाया एक ही बात है। सुनो मैं करवा रहा हूँ, बताओ कितने का करवाऊँ, एक महीने का, दो महीने का? एक साल वाला।
देखो बन गया कुत्ता, बांध सका पट्टा देखो बन गया कुत्ता, बंद गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता, भैया रुक दो भैया, बांध सका पट्टा देखो बन गया कुत्ता। ध्वनि भैया पिछले सीन में तो आपने रिचार्ज करवाया था, मजा आ रहा है तेरे को, चल आगे बढ़ गाड़ी चला। ध्वनि 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 क्यों कटवा रहा है अपना? अबे भाई कुछ नहीं ऐसा, मतलब सब कुछ बढ़िया है। अबे देख स्टेज वन हो गई, स्टेज टू तूने क्रॉस कर ली, अब बची स्टेज थ्री की बारी। अगर बेटा ये स्टेज थ्री क्रॉस हो गई ना तो तुझे मैं तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। अबे ठीक है अब दूंगा ध्यान। हाय वो कल मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो कल तुम मुझे 5 बजे कैफे में मिल सकते हो? हाँ ठीक है तो कल 5 बजे। हाँ। अबे मैंने बोला था ना मेरी वाली अलग है। भाई मैं बहुत स्पेशल हूँ, सुन सुन मेरी बात सुन। मुझे लगता है कल ये कैफे में ना मुझे आई लव यू बोलने की गारंटी है। और सुन तू मेरे साथ चल, तेरे को गलत प्रूव करेगा तेरा भाई। कल चल चल, कुछ नहीं चल चल, मैं कह रहा हूँ कटेगा। अबे कुछ नहीं है कुछ। हाय ध्वनि। हाय रुमन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तुमने किस स्पेशल बात के लिए मुझे आज बुलाया? हाँ वो रमन, मैं ये बोलना चाहती थी कि आई रियली लाइक यू। आई लाइक यू टू। अच्छा बट आई लव, आई लव यू टू, आई लव यू टू। यार तुझे मैं क्या बताऊँ, पहले दिन जिस दिन तू ऑफिस में आई थी ना उस दिन मुझे पता चल गया था कि तू मेरी है यार। मुझे उसी दिन प्यार हो गया था, तेरी और मेरी आंखों का जो मिलन था ना मुझे सब पता था। रमन रमन रमन, आई लव अमन। मैं फर्स्ट डे से बहुत ट्राई कर रही हूँ, तुम्हें मेरा फर्स्ट डे याद है? मैं आई थी, मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उससे आई कॉन्टैक्ट बना के रखूँ पर वो मुझे देख ही नहीं रहा था। फिर सेकंड डे भी मैं लंच करने के लिए आई कि मेरी उससे थोड़ी सी बात हो जाए पर तुम बात किए जा रहे थे। और थर्ड डे मैं ऑटो में आई कि मुझे लगा तुम्हारे साथ अमन भी होगा पर सिर्फ तुम थे, तो मुझे घर जाना पड़ा। पर सी यू नो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी हेल्प करोगे ना, मेरी अमन से बात करवाओगे ना? हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मैं तो अमन के लिए बार बार आ रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे को ना काम है ऑफिस का बहुत। कटवा लिया अपना। अबे घंटा, अबे पागल हो गया मेरे पीछे, तेरी शादी करूंगी। क्या बात कर रहा है भाई? मैं बैठा शादी की बात करने लगी कि शादी करूंगी तुझसे और मर जाऊंगा अगर तूने मना कर दिया तो। मैंने बोला पागल है क्या, पूरी उम्र पागल बन के रहूंगा क्या तेरे साथ? रिलेशनशिप तो ठीक है, दोस्त वगैरह हो जाती, भाई शादी नहीं करनी है क्या? तेरी वाली तो बहुत ही अलग है। मैंने तो बोला था मेरी वाली सबसे अलग है ना। चल आप तुझे दारू पिलाता हूं, खाना भी खिला दियो। अरे डन है। इसको तो झूठ बोलना ही था, नहीं तो पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीटता। और वैसे भी सच बोलने से कौन सी ध्वनि मेरी हो जाती। हाय गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, क्लिक हियर टू सब्सक्राइब एंड दिस वाज अ कोलैबोरेशन वीडियो विद द अच्छा लड़का। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इधर क्लिक करो और प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो एंड लव यू गाइस, टेक केयर।